नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको बैंक निफ्टी लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ। तो पहले इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे, आज का हमारा इन्वेस्टमेंट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो आज का हमारा इन्वेस्टमेंट है कुछ 1,07,000 के आसपास है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी कुछ मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ मैं, तो 5 मिनट का कैंडल लगा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको तो पता है कि मैं लाइव ट्रेडिंग वीडियो ऐसे ही लाता रहता हूँ और कुछ एजुकेशनल भी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो ये सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो आज हम बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे दोस्तों। तो मैं प्राइस एक्शन के लिए देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। मुझे तो आज थोड़ा डाउनसाइड मूवमेंट लग रहा है क्योंकि आप जानते हो शुक्रवार को US का मार्केट 700 पॉइंट से गिरा था, तो मुझे थोड़ी सी डाउनसाइड मूवमेंट ज़्यादा लग रही है। तो चलिए जैसे मुझे कोई अच्छा ट्रेड मतलब अच्छा पॉइंट मिलेगा एंट्री के लिए तो मैं एंट्री जरूर लूंगा और मेरा सेल साइड के लिए ही प्रेफरेंस रहेगा। तो चार्ट में अभी मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, जैसे ही ये निफ्टी अपना लो ब्रेक करेगा तो मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करूंगा। तो आप देख सकते हो अभी निफ्टी 10,240 के आसपास ही फ्लक्चुएट कर रहा है और बैंक निफ्टी 21,000 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही अपना ये लो ब्रेक करेंगे तो मैं अपना ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो निफ्टी का 10,022 के आसपास अपना लो है, तो जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो मैं अपना ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा सेल साइड के लिए और बैंक निफ्टी में ट्रेड करके दिखाऊंगा लाइव आपको आज। तो चलिए देखते हैं। सेलिंग का प्रेशर बहुत ही ज्यादा लग रहा है मेरे को, तो सही एंट्री के लिए थोड़ा वेट करूंगा मैं। जैसे ही सही एंट्री मिलेगी तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं, मैं थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब भी बड़ी मूवमेंट स्टार्ट होती है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम से होती है, इसलिए मैं हमेशा ट्रेड लेने से पहले 1 मिनट की भी कैंडल प्रेफर करता हूँ, उसके बाद मैं 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो अभी मुझे लगता है यहाँ से ये अपना लो ब्रेक करेगा, जैसे ही लो ब्रेक करेगा मुझे कन्फर्मेशन मिल जाएगा ट्रेड के लिए तो मैं अपना ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और कोर्स के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा पे हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चेक करेंगे, इसका लो है दोस्तों 10,220। जैसे ये ब्रेक करेगा तो मैं अपना डाउन साइड मतलब सेल साइड से ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। तो चलिए वेट करेंगे, प्राइस एक्शन देख के एंट्री लेना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कभी भी एंट्री ले लो, कभी भी एंट्री लेने से नुकसान बड़ा हो सकता है, तो हमेशा सही समय पर एंट्री ले लो, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ, मार्केट से फाइट मत करते बैठो। तो यही सारे पर्पस के साथ मैं शेयर मार्केट स्टार्ट किया था। तो चलिए देखते हैं, अभी भी निफ्टी वही पे है और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास है। बायर सेलर के बीच में बहुत ही बड़ा झगड़ा चल रहा है दोस्तों, वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है, वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा है। कंफर्मेशन के लिए वेट करो बस, बाकी कुछ नहीं है। जैसे मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ से ठीक है वैसे मैं अपना ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। तो देख सकते हैं अभी इस कैंडल में निफ्टी जरूर अपना लो ब्रेक करेगा और अपना मैं ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। तो वेट करेंगे, 2-3 पॉइंट बचे हैं लो ब्रेक करने के लिए। निफ्टी थोड़ा सेलिंग प्रेशर ज्यादा है बैंक निफ्टी से, देखिए ये स्कैंडल में ब्रेक कर दिया इसने दोस्तों, 10,217 को छू लिया, तो मैं अपना ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा डाउन साइड के लिए। मैं बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी के 4 लॉट आज सेल करूंगा। प्राइस चेक कर रहा हूँ कौन से प्राइस पे सेल करना है, तो चलिए चेक करेंगे अभी। मुझे 21,025 मतलब 21,025 के आसपास सेल करना ठीक लग रहा है, तो यही से मैं अपने 4 लॉट सेल करूंगा। तो चलिए ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का है और टारगेट मेरा 75 पॉइंट का रहेगा। तो ठीक है चेक करेंगे, देखिए हाँ ये अपने लो को ब्रेक कर रहा है। तो निफ्टी देखना और बैंक निफ्टी देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, मैंने अपना ट्रेड ले रहा हूँ, ले चुका हूँ मैं अपनी एंट्री। तो चलिए मिला है कि नहीं देखना पड़ेगा दोस्तों, सही समय पर एंट्री बहुत जरूरी है क्योंकि सही समय पर एंट्री लोगे तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, नहीं तो पूरा दिन वेट करने में कोई इंटरेस्ट मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। तो चलिए ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं देखते हैं। अभी 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे है हमारे मतलब जहाँ से ट्रेड लिया था वहाँ से, जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा डाउनसाइड प्रेशर बन रहा है सेलिंग के लिए, ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, हमें ट्रेड मिल चुका है। तो देख सकते हो आप MTM में 500 रुपये के आसपास ट्रेड लेते ही 1,300 रुपये का लॉस दिखा रहा है, ये बहुत ही ऊपर नीचे होता है मैंने बताया आपको। 9:46 को हमें एंट्री मिली है दोस्तों, 9:46 पे, तो अभी 1,500 का लॉस दिखा रहा है। चार्ट में इसलिए बहुत फास्ट देखता हूँ क्योंकि मुझे कन्फर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे ट्रेड का कन्फर्मेशन भी बहुत जरूरी है कि कितने पॉइंट तक गिर सकता है, मेरा टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरा दिन वेट करने में सेंस नहीं है। जैसे मैं अपना प्रॉफिट मिलेगा यहाँ से निकल जाता हूँ। MT में देख सकते हो 500, 400,
प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ही ज्यादा लिक्विडिटी रहती है, इसलिए वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो आपको इस चीज के लिए अपना माइंडसेट जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। माइंडसेट ठीक रहेगा तभी तब भी आप ट्रेड कर सकोगे दोस्तों, नहीं तो दो दो 400 500 1000 इधर उधर हो गए तो लोगों को डर लगने लगता है कि क्या करें, अभी निकल जाए या रुके, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लगता है, जीएसटी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जाता है। तो ये भी ध्यान आपको बहुत ये भी चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लॉस में चला गया तो उस वैसे ही आपका 1000 रुपये ब्रोकरेज चला जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है। एमटीएम देख सकते हो आप, 200 300 400 प्लस ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ से मैं अपना टारगेट या स्टॉप लॉस मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, जैसे ही प्राइस एक्शन मुझे कंफर्मेशन देगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस या टारगेट मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो अभी भी एमटीएम में देख सकते हो 1000 रुपीज के आसपास, अभी 1200 1260 875 ये ऊपर नीचे बहुत ही फास्ट होता है। इसके लिए आपको अपना माइंडसेट जरूरी है कि उसको तैयार कीजिए। अभी 2500 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है। यहाँ से दोस्तों मैं थोड़ा अपना टारगेट मॉडिफाई कर दूंगा। चलिए, बहुत ही बड़े मतलब लॉट साइज है, 4 लॉट के साथ हमने आज काम किया है, और तो इसके लिए थोड़ा सा टारगेट मॉडिफाई करना जरूरी हो जाता है। तो पहले 20950 था, मैं इसको 20960 कर देता हूँ। ठीक है, अभी 20960 कर लिया मैंने अपना टारगेट, तो 10 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर किया टारगेट मैंने। जैसे ही मुझे कुछ और भी मॉडिफाई करना जरूरी लगेगा तो कर लूंगा। तो चलिए, यहाँ से मैं 70 कर लो और 10 रुपये ऊपर कर रहा हूँ, टारगेट रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ से अपसाइड मोमेंट आ जाएगी, क्योंकि सपोर्ट के पास है तो 20-30 रुपया 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैं अपना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। देखते हैं, अभी टारगेट के ऊपर थोड़ा सा 10-20 रुपया है, जैसे ही टारगेट हिट करेगा यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, 3500-4000 के आसपास प्रॉफिट दिखा रहा है, पूरा पोजीशन प्रॉफिट में है। अभी आप देख सकते हो 946 को हमने ट्रेड लिया था और लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, तो देख सकते हैं अभी 10 पॉइंट बाकी है हमारा टारगेट हिट करने के लिए। अभी टारगेट हिट हो जाएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखते रहिए दोस्तों। तो लगता है मुझे हिट हो जाएगा, मॉडिफाई करने की जरूरत तो नहीं लग रही है। लाइव ट्रेडिंग में ये सब करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ट्रेड भी करना है और बात भी करनी है, उस चार्ट में भी ध्यान देना। देखिए, टारगेट एग्जिट हो चुका है हमारा, हमने आज 5500 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।